एवरीवन वेलकम बैक। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा आज का ये जो वीडियो है वो हमारे स्किन केयर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन। ओके, तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है किसी भी स्किन केयर में। आप चाहे एक्ने से लड़ रहे हो या फाइन लाइन से, एजिंग से, रिंकल से, कुछ भी, लेकिन आपका एक स्टेप तो ज़रूर रहना चाहिए वीकली वंस और ट्वाइस, और वो है एक्सफोलिएशन। ओके, तो एक्सफोलिएशन हम लोग क्यों इसे इतना मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे स्किन को बहुत हेल्दी रखता है, ग्लोइंग बनाता है और हमें एक रेडियंट स्किन देता है। तो ये वीडियो में मैं क्या करूँगी, आज आपके साथ शेयर करूँगी एक्सफोलिएशन के बेनिफिट्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और हमें किस तरह से एक्सफोलिएट करना चाहिए। तो अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसके सेकंड पार्ट्स भी बनाऊँगी, दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट आएगा ना तो आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आ गया है कि इसके तो फ़ायदे क्या होते हैं, तो क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सफोलिएट करने से हमारे स्किन को। पहले तो ये क्या करता है, हमारे स्किन के अपर लेयर को जो कि डेड सेल होते हैं उसे रिमूव कर देता है। रिमूव करके ये क्या करता है, हमारे पोर्स जो भी क्लॉग है उसे वो साफ़ कर देता है, हमारे क्लॉग पोर को अनक्लॉग करता है, हमारे जितने भी एक्ने हैं उसके साथ फाइट करता है और हमारे स्किन टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देता है। रियली एक्सफोलिएशन से आपके स्किन टेक्सचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, मैं मतलब खुद करने से ही पता चलता है वो। और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपके कोलेजन प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट होते हैं, तो फाइन लाइंस एजिंग भी बहुत थोड़े डिले हो जाते हैं। और आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं आपके स्किन के ऊपर, क्योंकि आपके स्किन से डेड सेल्स हट गए हैं तो वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं, बहुत अच्छे से अपना असर दिखाते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स क्या है, एक्सफोलिएशन कितने तरह के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल आपको सभी को पता होगा एक वर्ड, स्क्रब। ओके, हम लोग अपने टीनेज में यूज़ करते थे, स्क्रबिंग करते थे पूरा, मतलब हफ्ता में एक दो बार करना ही है स्क्रबिंग, डेड सेल निकालेंगे। तो ये फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है जो कि बहुत ही बुरा होता है स्किन के लिए, किसी को नहीं करना चाहिए। मतलब उस समय में उतना आइडिया नहीं था, हम लोग करते थे लेकिन उसमें जो छोटे छोटे स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन में बहुत ही माइनर टीयर दे जाते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारा स्किन डैमेज ही होता है। तो हमें बिल्कुल भी फिजिकल एक्सफोलिएशन यूज़ प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। तो स्किन के लिए क्या अच्छा है, केमिकल। केमिकल नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब इशू नहीं है इसके साथ, ये बहुत ही अच्छा होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। जैसे आप कॉमनली नाम सुने होंगे AHA, BHA, कुछ एंजाइम्स, रेटिनॉयड। ओके, रेटिनॉयड नाम तो हर कोई मतलब पता ही होगा। मतलब आपको अगर बेस्ट स्किन चाहिए तो वो मतलब स्किन केयर में क्वीन है वो, उसे हर किसी को ट्राई करना चाहिए। अब तक हालांकि मैंने भी ट्राई नहीं किया हुआ है, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना पसंद करती हूँ, तो देखते हैं कब मेरा नंबर आता है। ओके, तो फिजिकल हमें नहीं करना है, केमिकल करना है। तो केमिकल में AHA, BHA इस तरह के बहुत सारे और कुछ एंजाइम्स आते हैं, रेटिनॉइड्स आते हैं, जिसे कि हम लोग स्किन के अपर डेड सेल को निकाल सकते हैं। कुछ केमिकल पील्स भी आते हैं जिसमें बहुत तरह के AHA, BHA मिक्स किए रहते हैं कुछ प्रोपोर्शन में, और उसे हम लोग वीकली वंस और ट्वाइस ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी एक्सफोलिएशन हमेशा वीकली वंस और ट्वाइस ही करना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत अच्छा एक ग्लोइंग रेडियंट स्किन मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं, जो पहला एजेंट है एक्टिव है AHA। AHA का फुल फॉर्म होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। ये एक वाटर सॉल्युबल एजेंट है और इसे फ्रूट से, मिल्क से, शुगर से डिराइव किया जाता है। ये जैसे कॉमनली हम लोग सुनते हैं ना नाम, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये सब क्या है, AHA ही है।
वैसे ही BHA, BHA क्या होता है, ये ऑयल सॉल्युबल होता है। तो ऑयल सॉल्युबल होने के कारण ये हमारे स्किन में जो ऑयल का इशू होता है ये उसे सॉल्व कर देता है, अंदर से हमारे स्किन को पूरा पोर क्लिनजिंग ये करता है बहुत अच्छे से। ओके, जैसे कॉमनली हम लोग सुनते हैं ना सैलिसिलिक एसिड, ये एक BHA है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कुछ तरह के प्रोटीन्स होते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं झूठ नहीं कहूँगी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे पपाया में होता है पपाइन एंजाइम, उसे बहुत सारे क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, आई थिंक वो एंटी एजिंग क्रीम्स में यूज़ किया जाता है जो कि एक्सफोलिएशन का काम भी करता है। और फिर लास्ट में आता है रेटिनॉइड। रेटिनॉइड क्या होता है, ये एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो कि स्टिमुलेट करता है सेल टर्नओवर, हमारे स्किन में जो सेल टर्नओवर होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, वो उसे स्टिमुलेट करके जल्दी जल्दी रैपिडली करवाता है। तो और ये इफ़ेक्टिव है हमारे फाइन लाइन्स रिंकल्स के साथ लड़ने के लिए, हमारे स्किन टेक्सचर के साथ लड़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। ओके, फिर बात करते हैं कि इसे किस तरह से यूज़ करना चाहिए एक्सफोलिएशन को। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्किन के लिए क्योंकि ये एक तरह का क्लिंजिंग का ही काम करता है। देखिए हम लोग जैसे रोज़ाना हमारे स्किन में डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे डस्ट पॉल्यूशन सब बैठ रहे आके, तो हम लोग क्लिंजिंग करते हैं उसे ऊपर से हटाने के। उसी तरह जब हमारे स्किन में कुछ दिनों बाद डेड सेल्स जमा होते हैं उसे भी तो साफ़ करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग को एक्सफोलिएशन प्रोसेस में जाना चाहिए। तो एक्सफोलिएट करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि हम लोग इसे क्लिंजिंग की तरह रोज़ करें ट्वाइस ए डे। ओके, नहीं, ये ट्वाइस ए डे नहीं, ये मैक्सिमम ट्वाइस ए वीक हो सकता है। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं कहूँगी कि आपको वंस इन ए वीक से स्टार्ट करना चाहिए, आप कभी भी ट्वाइस में मत जाइए, नहीं तो आपके स्किन को ये बहुत डैमेज कर देगा। अगर आप ओवर एक्सफोलिएट करते हो तो आपके स्किन बैरियर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, जिससे कि आपका एक्ने इशू, फाइन लाइंस, ये सब बढ़ जाएंगे, जिससे मतलब एक्सफोलिएशन से जो चीज़ को हमें कम करना है वो उसे एग्रीवेट कर देता है अगर आप ओवरली एक्सफोलिएट करते हो अपने स्किन को। ओके, तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करके, आप कोई भी एक्टिव लो उसे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करो और उसे वंस ए वीक, वन मंथ या टू मंथ तक ट्राई करो, फिर जब लगे कि आपके स्किन उसे बियर कर सक रहा है तब जाके आप उसे मतलब ट्वाइस ए वीक भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, ऐसा एक्टिव लो जो कि आपके स्किन इशू को एड्रेस करता हो। ऐसा नहीं कि मतलब आपको एक्ने हैं और आप एंटी एजिंग के जो एक्टिव आते हैं उन्हें लेके यूज़ करो और बोलोगे कि मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वैसे नहीं। आपको देखना है कि आपका स्किन टाइप क्या है, स्किन के इश्यूज क्या है, फिर उसी को देखते हुए आपको एक्टिव्स चुनने हैं। और आपके स्किन को अगर आप बिगनर है तो वंस ए वीक, और अगर आप धीरे धीरे उसे मतलब आपका स्किन टॉलरेट कर पा रहा है तो ट्वाइस ए वीक आप कर सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही, मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगी जिसमें आपको AHA BHA के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी और कैसे एक्सफोलिएट करना होता है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है, एक्सफोलिएशन के बाद किस तरह स्किन केयर करना होता है, क्या एक्सफोलिएशन से पहले हम लोग हेयर रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हमारे पीरियड्स आने से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन आपके मैं एड्रेस करूँगी उसमें। तो उसके लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।